हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और यहाँ पे सोमा गोस्वामी जी ने एक क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन से मुझे दो आंसर्स इसके मिले। तो एक तो आंसर इनके लिए और एक आंसर है जो कि इनके लिए भी है एंड आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा, आपके स्टॉक या म्यूचुअल फंड से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बचाने में। सर, एक्सिस ब्लू चिप फंड रेगुलर मेरा मंथली 1000 रुपया का SIP चलता है, 13000 इन्वेस्ट हो गया है एंड अभी 11000 हो गया है। मैं क्या करूँ, इस फंड के साथ रहूँ या एग्जिट कर दूँ? निगेटिव में मतलब इनको रिटर्न अभी मिल रहा है, मार्केट गिरा हुआ, निगेटिव में मिले गए। तो देखिए, एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ तो रहना है आपको, लेकिन अभी आप जो ये रेगुलर प्लान में आपने लिखा है एक्सिस ब्लू चिप रेगुलर, तो इस रेगुलर को, एक्सिस ब्लू चिप रेगुलर को एग्जिट करके हट जाना है यहाँ से एंड एक्सिस ब्लू चिप के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ये हो गया एडवाइस इनके लिए। दूसरा एडवाइस इनके लिए भी और आपके लिए भी, जैसे ये क्या करेंगे, ये अभी उसमें से एग्जिट करके एंड ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट में। तो क्या होगा, पैसा जितना उसमें से निकलेगा, जैसे 11000 है उसमें, तो 11000 उसमें से निकलेगा एंड 11000 ब्लू चिप फंड में जाएगा, लेकिन जो 2000 इनका जो निगेटिव में रिटर्न दे रहा था वो 2000 लॉस बुक हो जाएगा। अब वो लॉस बुक हुआ है, लॉस हुआ नहीं क्योंकि ये वही पैसा उठा के उन्होंने इसमें डाल दिया, तो फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इनका पैसा वापस ऊपर जाएगा, लेकिन ये लॉस बुक हो जाने से फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर इनको 2000 का, 10000 का, 15000 का किसी कारण से प्रॉफिट गेन करना पड़ता है इस साल में, तो ये उस प्रॉफिट को इस 2000 के साथ सेट ऑफ कर लेंगे और इस 2000 पे इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये चाहे तो सभी लोग कर सकते हैं, और सिर्फ इस साल के लिए नहीं, 8 साल तक आप अपने लॉस को, स्टॉक में जो आपको लॉस होता है म्यूचुअल फंड में, उसको 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके आप लॉस अगर जमा करेंगे हर साल, तो किसी एक साल में जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा हैवी, उस टाइम पर उस प्रॉफिट के साथ इस लॉस को आप सेट ऑफ भी कर पाएंगे। और सिर्फ इनके लिए नहीं, सारे लोगों के लिए, जितने लोगों के भी स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, अभी तो सबके नीचे में होंगे और अभी तो मई का महीना चल रहा है, अभी तो पूरा साल बचा है। तो अभी देखो, जैसे आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है या 100 रुपये का म्यूचुअल फंड खरीदा है, वो अभी घट के 80 हो गया है, तो अब यहाँ से ऊपर वो 80 के अकॉर्डिंग ही जाएगा, चाहे आप उसको रखे रहो या फिर 80 पे बेच के उसको वापस 80 पे खरीद लो। तो 80 पे बेच के वापस 80 पे खरीदने से जो 20 रुपये का जो गैप है, वो गैप का लॉस बुक हो जाएगा, जिस लॉस को आप इस साल और अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो अगले 8 साल तक जब भी आप प्रॉफिट करोगे तो उसके साथ इसको सेट ऑफ करके अपना टैक्स बचा सकते हो। नहीं समझ में आया बात, तो ये जो भी आपका ITR फाइल करता है उससे आप ये समझ सकते हो, काफ़ी काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी काम का होगा। जो लोग भी आपको एकदम लगता है कि आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, कोई बिजनेस खरीदा हुआ है, उसमें आपको पूरा कन्विक्शन है कि हाँ अभी मार्केट कंडीशन का नीचे है, वो ऊपर जाएगा ही, डेफिनेटली आपको अगर वो नीचे के प्राइस पे आया है आपको बेच के वापस से उसी प्राइस पे खरीद लेना चाहिए और लॉस को बुक कर लेना चाहिए। जो भी आपका ITR फाइल करता है उससे ये बात समझो, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा आपके म्यूचुअल फंड या स्टॉक से होने वाले प्रॉफिट गेन को बचाने में।